बच्चों ट्रांजिशन स्टेट का मतलब समझो, रिएक्शन यहां से होकर तो जाती है बट इस पर रुकती नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ट्रांजिशन स्टेट किसी भी रिएक्शन में वो स्टेट है जहां से रिएक्शन होकर तो गुजरती है बट उस पर रुकती नहीं है क्योंकि वहां एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हाईली एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, उन्हें आइसोलेट नहीं किया जा सकता, उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, उन्हें फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ट्रांजिशन स्टेट को आप अलग नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों ट्रांजिशन स्टेट को फाइंड? बच्चों ये वो स्टेट है जहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बच्चों बोलो जल्दी से, ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जहां एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एक्साइटेड स्टेट है जहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा, रिएक्शन यहां से होकर तो जाएगी बट इस पर रुकेगी नहीं क्योंकि वहां पर एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा है, उन्हें आइसोलेट नहीं किया जा सकता। बच्चों बोलो, एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं, रिएक्टिव स्टेट भी कहते हैं, बॉन्ड फॉर्म भी हो रहे होते हैं, टूट भी रहे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और किसी रिएक्शन के अंदर बच्चों एक से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट भी हो सकती है, एक से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट भी होते हैं। ऐसे भी समझो, ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जहां अगल बगल वालों से उसकी एनर्जी ज्यादा हो, अगल बगल वालों से उसकी एनर्जी ज्यादा हो उसको भी कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। किसी रिएक्शन के दौरान अगल बगल वालों से एनर्जी ज्यादा हो वो भी ट्रांजिशन स्टेट है। बच्चों बोलो ट्रांजिशन स्टेट, जल्दी बताओ, किसी का डाउट है? बच्चों आप आगरा से ट्रेवल करना चालू किया, आपको ग्वालियर आना है, तो आगरा रिएक्टेंट हो गया, ग्वालियर प्रोडक्ट हो गया, धौलपुर और मुरैना क्या हो गए आपके? आप सुनो, धौलपुर से ट्रेन गुजरती तो है बट धौलपुर में रुकती नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति धौलपुर वाला उसमें बैठ जाए तो वो धौलपुर वाला व्यक्ति उसके बताओ धौलपुर पे उतर पाएगा क्या? बोलो बच्चों, ट्रेन होकर तो गुजरती है बट रुकती नहीं है। उसी तरीके से रिएक्शन इस स्टेट से गुजरती तो है बट इस पर स्टॉप नहीं होती, रुकती नहीं है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है? एक्साइटेड स्टेट है, हायर एनर्जी स्टेट है, अनस्टेबल है, जहां बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे होते हैं, टूट भी रहे होते हैं, वहां पे किसकी फॉर्मेशन होती है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद बॉन्ड बनना चालू हो जाते हैं, बॉन्ड टूट जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। बोलो बच्चों जल्दी से, बोलो जल्दी। जैसे मान लो H2 और I2 को अगर आप रिएक्ट कराओ, मान लो H बॉन्ड H और I बॉन्ड I को आप क्या करोगे? ब्रेक करोगे। उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप एनर्जी दोगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे? एक्साइटेड स्टेट। दे ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर रेडी, दे ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपने एक्टिवेट कर दिया क्या करने के लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अब ये क्या बनाएंगे? एक ऐसी स्टेट बनाएंगे जहां पर इनके पार्शियली बॉन्ड बन भी रहे होंगे, पार्शियली बॉन्ड टूट भी रहे होंगे, वहां पार्शियली बॉन्ड बन भी रहे होंगे और पार्शियली बॉन्ड टूट भी रहे होंगे। इसके बाद ये एनर्जी रिलीज करके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों? प्रोडक्ट में। जरा मेरी बात समझो, अब जरा मुझे बताओ, H2 और I2 की रिएक्शन करके, तो H2 और I2 तो रिएक्टेंट है बच्चों, H2 और I2 तो रिएक्टेंट है, HI प्रोडक्ट है, तो ये कौन सी स्टेट है? ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर दिया है। क्या देकर? एनर्जी देकर। जो एनर्जी दोगे उसको कहा जाएगा एक्टिवेशन, जो एनर्जी दी जाएगी उसको कहा जाएगा एक्टिवेशन। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है मतलब पार्शियली बॉन्ड बन भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं, इसके बाद ये क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपने एनर्जी दी, 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 मैक्सिमम हो गई। अब इसके बाद यहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसके बाद बॉन्ड की फॉर्मेशन होने लग जाएगी और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। यस, एनी डाउट बच्चों? जल्दी बताओ, एनी डाउट? हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ रहे हैं बच्चों। हम इस स्टेट को आइसोलेट नहीं कर सकते, रिएक्शन यहां से होकर गुजरती तो है बट ये रुकती नहीं है। आप कभी भी ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर सकते, वहां रुक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो हायर एनर्जी स्टेट है, वहां रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, अनस्टेबल होते हैं। तो हम रिएक्शन रुकती कहां है? जहां एनर्जी कम होती है बच्चों। बोलो, डाउट पहले बताओ पूरा, मुझे क्लियर होना चाहिए। एट ट्रांजिशन स्टेट मॉलिक्यूल हैव हाईएस्ट एनर्जी। हाँ, हाईएस्ट एनर्जी। अमन सिंह, हाँ बिल्कुल, ट्रांजिशन स्टेट पर ही तो बच्चों मैक्सिमम एनर्जी होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, उसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। ये समझ में आ गया? उसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि रिएक्शन वहां से होकर गुजरती तो है बट रुकती नहीं है। आगे बोलो,
रिएक्शन वहां से होकर गुजरती तो है बट रुकती नहीं है। अगर बच्चों इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट का मतलब समझा दो, इंटरमीडिएट की जो एनर्जी होती है ना बच्चों, इंटरमीडिएट की जो एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट से तो कम होती, प्रोडक्ट से तो ज्यादा होती है बट अगल बगल वालों से कम रहती है। इंटरमीडिएट की एनर्जी प्रोडक्ट से तो ज्यादा होती है बट अगल बगल वालों से कम होती है, इस पर रिएक्शन रुक जाती है। मतलब आपको ये मानो, सुन लिया मेरी आपकी बात, इंटरमीडिएट क्या होता है, जिसकी एनर्जी प्रोडक्ट से तो कम, प्रोडक्ट से तो ज्यादा होती है बट अगल बगल वालों से कम होती है। मान लो अगर मैं ऐसे कण बना दूं, ये अगल बगल वालों से तो कम है एनर्जी, तो ये स्टेट होगी इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की एनर्जी प्रोडक्ट से तो ज्यादा होती है, सुन रहे हो ना मेरी बात, प्रोडक्ट से तो इंटरमीडिएट की एनर्जी ज्यादा होती है, मेरी बात ही नहीं सुनी, प्रोडक्ट से तो इंटरमीडिएट की एनर्जी ज्यादा होती है बट अगल बगल वालों से कम होती है। बच्चे ये मान लो अगर आप आगरा से ट्रेवल कर रहे हो और ट्रेन धौलपुर पे नहीं रुकी, मुरैना पे रुक सकती है, तो वो इंटरमीडिएट होगा, ये समझो मेरी बात। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, तो यहां रिएक्शन रुक गई, ये प्रोडक्ट है, डी प्रोडक्ट है, डी प्रोडक्ट है, डी प्रोडक्ट है बच्चों, डी प्रोडक्ट है। ए रिएक्टेंट है, रिएक्शन यहां से होके तो गई बट यहां रुकी नहीं, यहां पर रुक गई, तो ये इंटरमीडिएट होगा, और जहां रुकी नहीं वो स्टेट कहलाएगी क्या, ट्रांजिशन स्टेट। मेरी बात समझो, बताओ मुझे, आपने ए रिएक्टेंट है, डी प्रोडक्ट है, रिएक्शन बी और सी से होकर जा रही है बट बी पर रुकी नहीं, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, हायर एनर्जी स्टेट। सी पर रुक गई बट ये प्रोडक्ट तो नहीं है, तो सी क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट। जल्दी से डाउट बताओ, इंटरमीडिएट वो होता है जिनकी एनर्जी प्रोडक्ट से तो ज्यादा होती है बट अगल बगल वालों से कम होती है। प्रोडक्ट की एनर्जी प्रोडक्ट से तो ज्यादा एनर्जी होती है इंटरमीडिएट की, रिएक्शन वहां रुक सकती है बेटे क्योंकि वहां पर एनर्जी कम है बट प्रोडक्ट से ज्यादा एनर्जी उसकी। नहीं समझी, अभी डायग्राम से समझाऊंगा। ट्रांजिशन स्टेट हायर एनर्जी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, जहां है ना आप इसको लाइफ में ऐसे भी समझेंगे, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। ट्रांजिशन स्टेट एक्साइटेड स्टेट है, रिएक्टिव स्टेट है, जहां बॉन्ड बन भी रहे होते हैं टूट भी रहे होते हैं, अनस्टेबल है, वहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट की एनर्जी बगल वालों से तो कम होती है अगल बगल वालों से बट प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। बोलो, देखो सर, बी इंटरमीडिएट नहीं है क्या, बी इंटरमीडिएट नहीं है ना, उस पर रिएक्शन रुकी कहां, बी इंटरमीडिएट नहीं है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट है। रावत, H plus I2 वाला रिएक्शन एग्जांपल पर से बता दें। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये H2 है, तो H और H ये रिएक्टेंट है, I और I ये रिएक्टेंट है, बच्चों H और I रिएक्टेंट है, इसको आप एनर्जी दोगे तो इनको बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो एक इंटरमीडिएट, एक क्या बनाएगा, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जहां पार्शियली बॉन्ड बन भी रहे होंगे और टूट भी रहे होंगे, जहां H I से भी इंटरेक्ट करेगा और I I से भी इंटरेक्ट करेगा। अब ये बन गया, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हायर एनर्जी स्टेट में बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसके बाद ये क्या करेगा बताओ, ये क्या करेगा, बॉन्ड अपनी एनर्जी रिलीज कर बॉन्ड को तोड़ देगा। आपने इतनी एनर्जी दी, इसको बना दिया, फॉर्म कर दिया, इसके बाद ये अपने आप ही एनर्जी रिलीज करके बॉन्ड को तोड़ देगा और किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, एच आई की। इस स्टेट को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये कहां बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट पर। आपने H और I के बॉन्ड तोड़े, एक स्टेट ऐसी आएगी जहां H और H के बॉन्ड पार्शियली ब्रेक भी हो रहे होंगे और H और I का बॉन्ड पार्शियली बन भी रहा होगा, उस स्टेट को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फर्दर अब ये क्या करेंगे, H और I अपना बॉन्ड बनाने लग जाएंगे, H और I अपना बॉन्ड बनाने लग जाएंगे, एनर्जी रिलीज करने लग जाएंगे और एनर्जी कम होने लग जाएगी। अभी डायग्राम से समझाना बच्चों, ये तुमसे पूछा नहीं जाना है एग्जाम में कि इंटरमीडिएट होते क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, बट आपको समझ में आना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो होती हैं वो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस वन होती है, इंटरमीडिएट से एक ज्यादा होती है ट्रांजिशन स्टेट, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस वन होती है, समझो मेरी बात को। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस वन। जैसे मानो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, समझो मेरी बात, यहां पर एक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी और यहां पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। एनर्जी लेवल डायग्राम बता रहा हूं, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है,
ये कर्म है बच्चों, ये कर्म है। आप इस कर्म में मुझे बताओ इसमें कितने इंटरमीडिएट है और कितने ट्रांजिशन स्टेट है। चलो ये तो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में तो नहीं हो रही। मैंने क्या सिखाया था आपको, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगी उसमें इंटरमीडिएट तो होंगे ही नहीं, तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में तो नहीं हो रही। बताओ इसमें कितने ट्रांजिशन स्टेट और कितनी इंटरमीडिएट है, जल्दी बताओ। दो इंटरमीडिएट, ये रही ट्रांजिशन स्टेट का पांडे तीन, ये रही ट्रांजिशन स्टेट देवराज तीन, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये रहा इंटरमीडिएट, ये रहा इंटरमीडिएट। हाँ बच्चों, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी दी दी दी, यहां पर पहुंच गई मैक्सिमम पे, इसके बाद वो अपनी एनर्जी क्या करते हैं कम कर लेते हैं, यहां पर आके रिएक्शन रुक जाएगी, यहां पर रिएक्शन रुकेगी नहीं, यहां पे आके रिएक्शन रुक जाएगी, फिर एनर्जी दी बढ़ गई, ये ट्रांजिशन स्टेट, फिर रिएक्शन यहां आके रुक जाएगी और फाइनली रिएक्शन यहां आके रुक जाएगी। तो रिएक्शन कहां रुक सकती है, रिएक्शन कहां रुकती है, इंटरमीडिएट पे। बताओ ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही होगी बच्चों, बताओ पहले, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब एक से ज्यादा पीक आते हैं, एक से ज्यादा कर्व आते हैं, तो ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है। क्लियर बता रहा है, इंटरमीडिएट रिएक्शन पहले यहां पर एक बार यहां रुकेगी, अगली बार यहां रुकेगी दो, और अगली बार यहां रुकेगी, कितने स्टेप में ये रिएक्शन होगी, तीन में, पहले स्टेप में यहां तक, दूसरे स्टेप में यहां तक, और तीसरे स्टेप में यहां तक। रिएक्शन कहां रुकेगी बच्चों, पहले स्टेप में रिएक्टेंट यहां से कन्वर्ट होकर यहां रुकेगी, यहां तो रुक ही नहीं सकती, फिर अगले स्टेप में रिएक्शन यहां से चालू होगी, यहां रुकेगी, फिर यहां से चालू होगी, फाइनली यहां रुकेगी। तब जब एक से ज्यादा पीक आ जाए कर्व में, एक से ज्यादा पहाड़ आ जाए, तो समझ जाना रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होगी। अब जरा इस डायग्राम से समझ के मुझे बताओ क्या डाउट है, जल्दी बताओ सर, देखना है क्या है बच्चों। अच्छा, इस पीक का मतलब बताता हूं। मान लो तुमने अपनी स्टडी चालू करी इस साल की, इधर सुनो, तुमने अपनी स्टडी चालू करी, अपनी पढ़ाई चालू करी, तो तुम्हारी लाइफ में पढ़ाई में काफी अप एंड डाउन आएंगे ना, पढ़ाई में अप एंड डाउन आएंगे ना, ये उसी तरीके से ये बताती है रिएक्शन की प्रोग्रेस, रिएक्शन में कैसे प्रोग्रेस हुई, कहां एनर्जी बढ़ी घटी, ये सब बताता है। जैसे तुमने अगर मान लो यहां पर पढ़ाई चालू करी, और पूरे साल में पढ़ाई में कितने अप एंड डाउन आए, वो बताता है प्रोग्रेस। अरे एग्जांपल से समझो, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है। मान लो तुमने यहां से पढ़ाई चालू करी, पढ़ाई चालू करी, तो बताओ कितना अप एंड डाउन आ रहा है रिएक्शंस में। अंकित, जरा आपने बताया था कि एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, तो अरे मैंने तो अंकित कहां बोला है ट्रांजिशन स्टेट एक होती है, किसी भी रिएक्शन में एक से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट हो सकती है। कौन सा बच्चा है अंकित, क्या कह रहा है, ट्रांजिशन स्टेट मैंने एक बताई है, ट्रांजिशन स्टेट कितनी भी हो सकती है, तो तुम्हें देख के पता लगाओ कि तुम रिएक्शन में डायग्राम एक से ज्यादा भी होती है ट्रांजिशन स्टेट। और क्या बोल रहे हैं, अरे इसकी एनर्जी ये देखो, इसकी एनर्जी अगल बगल वालों से ज्यादा, इसकी एनर्जी अगल बगल वालों से कम है। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा हो और अगल बगल वालों से कम हो, जहां पे रिएक्शन रुकती तो है क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, बट फाइनली रिएक्शन कहां रुकेगी, जहां प्रोडक्ट पर। बोलो जल्दी से, जल्दी बताओ। तो यहां से समझ गए ना, ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप है। चलो एक और डायग्राम से समझो। अच्छा मुझे एक चीज समझो, ये एनर्जी है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ये कर्व है। अच्छा बताओ इसमें कितने इंटरमीडिएट है, कितने ट्रांजिशन स्टेट है, बताओ इसमें कितने इंटरमीडिएट और कितने ट्रांजिशन स्टेट है। इसमें कितने ट्रांजिशन स्टेट है और कितनी इंटरमीडिएट है, जल्दी बताओ जल्दी। कुछ वन जीरो वन जीरो, इसके अंदर बच्चों एक भी इंटरमीडिएट नहीं है। बोलो बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट है, जल्दी बताओ। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। बच्चों जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के बराबर या उससे ज्यादा नहीं होगी, तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ट्रांजिशन स्टेट एक तरीके का एनर्जी बैरियर है, जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी उसके बराबर नहीं होगी, तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर हुआ ये? तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ट्रांजिशन स्टेट एक से ज्यादा भी हो सकती है। बोलो
जल्दी बताओ, अभी मैं कर्व समझाऊंगा आपको। बच्चों ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक एनर्जी बैरियर ओवरकम करना पड़ता है। उस एनर्जी बैरियर को जब तक वो ओवरकम नहीं करेंगे, जब तक अपनी एनर्जी को उस एनर्जी बैरियर के बराबर या उससे ज्यादा नहीं लेकर आएंगे ना, तब तक वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी इसके बराबर या इससे ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके वो कन्वर्ट हो पाएंगे। जल्दी बोलो। आयुष रावत पूछ रहा है इंटरमीडिएट की एनर्जी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों से ज्यादा होती है क्या? नहीं, इंटरमीडिएट की जो एनर्जी है ना वो प्रोडक्ट से ज्यादा होती है, रिएक्टेंट के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है इंटरमीडिएट का। प्रोडक्ट से ज्यादा होती है इंटरमीडिएट की। अच्छा, अगर प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं होगी तो प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाएगा, और प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाएगा तो रिएक्शन वही रुक जाएगी। तो प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होती है इंटरमीडिएट की एनर्जी। जल्दी बताओ, आप समझाना चालू करो, बोलो जल्दी से। ये रही पोटेंशियल एनर्जी, ये रहा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। बच्चों ये रही रिएक्टेंट की एनर्जी और ये रहा इस तरीके से कर्व। अब हम समझते हैं, सुनो जरा बच्चों, ये किसकी एनर्जी है जरा मुझे बताओ, ये मैं बना रहा हूं, ये किसकी एनर्जी है? ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये किसकी एनर्जी है? ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जल्दी से समझो, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी। जल्दी बताओ, ये प्रोडक्ट की एनर्जी और ये रिएक्टेंट की एनर्जी, बताओ। ये रही ट्रांजिशन स्टेट, एक तरीके का एनर्जी बैरियर। बच्चों अगर आपको आईआईटी क्वालिफाई करना है तो आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा ना, उसी तरीके से रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में चेंज होना है तो उन्हें इस बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा। बच्चों अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उन्हें इस बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, और वो बैरियर है ही, एनर्जी बैरियर भी कह सकते हैं इसको। इसको क्या कह सकते हैं बच्चों? एनर्जी बैरियर भी कह सकते हैं। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस एनर्जी बैरियर को ओवरकम करना पड़ता है। बच्चों दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये बताओ दोनों में कौन सी एनर्जी ज्यादा है? प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं डेल्टा एच। अच्छा डेल्टा एच क्या होता है बताओ? फाइनल माइनस इनिशियल, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, तो डेल्टा एच बताओ क्या हो गया? ईपी माइनस ईआर, और ईपी कम है तो ये डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव। बच्चों ईपी कम है ना, ईपी इज लेस देन ईआर, तो ईआर को ईपी के बराबर आने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? रिलीज करनी पड़ेगी। जितनी रिलीज करेगा वही होगी डेल्टा एच। जरा बताना सर, जल्दी बताओ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ एक्सोथर्मिक है ना, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक। बच्चों इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट है? जीरो, नो इंटरमीडिएट। आप ऑर्गेनिक में इस रिएक्शन को किस नाम से पढ़ेंगे मैं बता देता हूं, SN2। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस रिएक्शन को SN2 के नाम से पढ़ेंगे, जहां पर कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती। बच्चों इसका उल्टा भी हो सकता है डायग्राम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा भी हो सकती है रिएक्टेंट से, तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी। बच्चों प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच में जितना डिफरेंस है वो डेल्टा एच। बोलो बच्चों, मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी 30 जूल थी, सुनो जरा मेरी बात, 30 जूल थी, प्रोडक्ट की एनर्जी 10 जूल है, तो कितनी खर्च कर दी, कितनी रिलीज कर दी? 30 रिएक्टेंट की एनर्जी थी, प्रोडक्ट की एनर्जी 10 जूल है, तो 30 में से 10 अगर मैं माइनस कर दूं तो 20 जूल एनर्जी रिलीज कर दी। बच्चों इधर सुनो, प्रोडक्ट की एनर्जी 30 थी, 30 जूल, और रिएक्टेंट की एनर्जी 30 जूल थी, प्रोडक्ट की एनर्जी 10 जूल थी, तो बताओ प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी कम है रिएक्टेंट से? 20 जूल, तो 20 जूल एनर्जी रिलीज कर दी। अरे भैया फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है,
तो कब 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 हो सकता है ये फाइनल, कब 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 हो सकता है, जब आप रिलीज कर दो यूनिट से। तो डेल्टा एच बराबर होता है ईपी माइनस ईआर, और इस केस में ईपी की वैल्यू कम है ईआर से, इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब बच्चों सुनो इधर, अगर मान लो जैसे नीट का एग्जाम है बच्चों, एक नीट का एग्जाम है, नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 500 नंबर चाहिए, 500 मार्क्स, और स्टूडेंट के मार्क्स आए बच्चों 450 मार्क्स है, टोटल कितने नंबर चाहिए बच्चे को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नीट का, 500 नंबर। तो जो टोटल मार्क्स जो चाहिए, जो टोटल एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ई थ्रेशोल्ड, जो रिएक्शन को करने के लिए टोटल एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं ई थ्रेशोल्ड। अच्छा ये बताओ उस रिएक्टेंट के पास कितनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो चाहिए होती है रिएक्शन को करने के लिए वो कहलाती है ई थ्रेशोल्ड। अब उस रिएक्टेंट के पास कितनी एनर्जी पहले से है, 450। बताओ कितने मार्क्स और चाहिए उसको, उस बच्चे को इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, बताओ इस बच्चे को कितने मार्क्स और चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, 50 चाहिए ना, तो जो 50 होंगे ये कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों, ये कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। असली में ये एनर्जी बैरियर है, जब तक इस एनर्जी बैरियर को ओवरकम नहीं करोगे ना, तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अच्छा एक चीज बताओ, नीट के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 500। चलो एक और एग्जाम समझते हैं, आईआईटी एडवांस को क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए, 140 नंबर चाहिए, बताओ 140 मार्क्स चाहिए, सही है बच्चों। टोटल कितने मार्क्स चाहिए आईआईटी एडवांस को क्वालिफाई करने के लिए, 140। तो ये तो कहलाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये तो कहलाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा आप लोग कितने नंबर ले आए, आप लोग 100 नंबर ले आए, तो ये क्या कहलाएगी, रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी जितनी एनर्जी है पहले से 100 नंबर ले आए, तो बताओ कितने और चाहिए, कितने और नंबर इसे चाहिए कि आईआईटी एडवांस क्वालिफाई कर ले, बताओ जल्दी से मैसेज में लिखकर बताओ, 40। तो ये 40 जो कहलाएगी, ये जो 40 होगी वो कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी की आवश्यकता है टू ओवरकम दिस एनर्जी बैरियर, ये कहलाती है बच्चों, ये कहलाता है ईए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। इतनी एनर्जी और चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को टू ओवरकम दिस बैरियर, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और टोटल जितनी चाहिए उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, टोटल जितनी चाहिए उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इतनी रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी पहले से एनर्जी है, तो इतनी एनर्जी और चाहिए उसे टू ओवरकम दिस बैरियर। बच्चों जैसे इसके बराबर कर दोगे आगे की कहानी तो अपने आप ही हो जाएगी, जैसे एनर्जी आप यहां तक ले आओगे उसके बाद तो वो अपना प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने लगेंगे, तो अपनी एनर्जी रिलीज करने लगेंगे। तो कितनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को टू ओवरकम दिस बैरियर एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज ईए फॉरवर्ड। और जरा मुझे बताओ प्रोडक्ट को उल्टा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, प्रोडक्ट को उल्टा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो कहलाएगी ईए बैकवर्ड। मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड। अभी मैं करूं दोबारा से समझाऊंगा, दोबारा से पहले कुछ कुछ क्लियर हो जाए। तो जो टोटल एनर्जी चाहिए रिएक्शन को करने के लिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जितनी एनर्जी चाहिए टू ओवरकम दिस बैरियर तो उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। टोटल एनर्जी जितनी चाहिए रिएक्शन को होने के लिए वो कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जितनी एनर्जी चाहिए ताकि वो उस ओवरकम कर पाए बैरियर को, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ मुझे बेटा। टॉपिक वैसा है थोड़ा सा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा भी आज लग रहा है क्योंकि मैंने पूरा कोशिश की है बताने की, बट मैं फिर से समझाऊंगा आपको, जल्दी से बताओ। चलो मैं फिर से समझाता हूं, बच्चों रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक बैरियर को ओवरकम करना पड़ता है, एक एनर्जी बैरियर को, और वो टोटल एनर्जी जो बैरियर है ना, टोटल एनर्जी है जो, वो कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास खुद की भी कुछ एनर्जी होती है, खुद भी तो कुछ नंबर लेके आए, टोटल कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, 140।
खुद कितने मार्क्स लिया है बच्चा 100, तो कितने एक्स्ट्रा में नंबर चाहिए ताकि वो आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई कर लेता 40। तो उसी तरीके से जो टोटल एनर्जी चाहिए रिएक्शन को होने के लिए वो कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट के पास खुद की कुछ एनर्जी होती है, जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उस ओवरकम उस बैरियर को ओवरकम करने के लिए उसको बोला जाता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। चलो बच्चों फिर से कोशिश करते हैं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। यहां पर लिख लिया मैंने पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे बच्चों लिख लिया मैंने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, बच्चों ये लिख लिया मैंने ऐसे कर्व, ठीक है। बताओ ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। अलग अलग कलर से बनाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे अलग अलग कलर से। ये क्या कहलाएगी बताओ, ई थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी, पूरी रिएक्शन को होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। बताओ बच्चों ये क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट की एनर्जी। और ये क्या कहलाएगा, बताओ किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी कम है, बताओ जल्दी बताओ किसकी एनर्जी कम है, जल्दी बताओ मैसेज में जवाब दो जल्दी से। शाबाश बच्चों, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो अच्छा ये होगा रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, मतलब फाइनल एनर्जी तुम कम कैसे कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनल एनर्जी तुम कम कर सकते हो रिलीज करके। तो यही तो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा डेल्टा एच, रिएक्टेंट जब इतनी एनर्जी रिलीज कर देगा तभी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। बोलो तो पहचान सकते हो ना, ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, ईपी माइनस ईआर, ईपी इज लेस देन ईआर। तो इस बार वो उसने कैसे कम हुई एनर्जी, रिलीज करके कम हुई ना, तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। ये एनर्जी बैरियर है बच्चों, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं। इतनी एनर्जी कम से कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब मान लो कोई बच्चा आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाए तो क्या वो आईआईटी में एडमिशन पा सकता है क्या, क्या कोई बच्चा आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाए तो क्या वो आईआईटी में एडमिशन ले सकता है क्या, नहीं ले सकता ना। तो कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इससे कम एनर्जी पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। बच्चों ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जितनी ये एनर्जी चाहिए इसको कहेंगे ईए फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, ईए फॉरवर्ड, बोलो बच्चों ईए फॉरवर्ड कहेंगे। और प्रोडक्ट को जितनी एनर्जी चाहिए यहां से यहां तक रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए इसको कहते हैं ईए बैकवर्ड, इसको कहते हैं ईए बैकवर्ड। जल्दी बताओ बच्चों, इसको कहते हैं ईए बैकवर्ड। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो कहलाती है ईए फॉरवर्ड, बोलो। और प्रोडक्ट को जितनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए वो कहलाती है ईए बैकवर्ड। तो बताओ डेल्टा एच क्या होगा, तो डेल्टा एच होगा इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो इतना बचेगा ना, ईए फॉरवर्ड में से ईए बैकवर्ड को माइनस कर दूं तो डेल्टा एच बचेगा। तो इसका एक और फॉर्मूला भी होता है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है, ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड, ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी के केस में ये फॉर्मूला है। इसी का एक और फॉर्मूला भी लिख सकते थे आप, ईपी माइनस ईआर, फाइनल माइनस इनिशियल। ये फॉर्मूला मैं बताना चाहता हूं, इसमें से ईए फॉरवर्ड में से अगर ईए बैकवर्ड माइनस कर दोगे तो डेल्टा एच बचेगा ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में फॉर्मूला होता है ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के टर्म्स में फॉर्मूला होता है ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट। बच्चों ये मैंने गलत किया था 2005 में, मुझे इतना बताने आया गया, बताया नहीं गया था स्कूल एग्जाम में, स्कूल में तो मैंने वो क्वेश्चन गलत किया आईआईटी के अंदर, आप लोग सही कर सकते हो। अब जरा मुझे बताओ डाउट, अभी मैं दूसरा कर्व भी बना के समझाऊंगा, मैं तब तक मैं समझाता रहूंगा जब तक तुम्हें समझ में नहीं आया। बिल्कुल बाहर से देनी पड़ती है इतनी एनर्जी, कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए उसको इसको क्रॉस करने के लिए। तो अगर तुम्हारा मान लो तुम्हारे 100 नंबर आते हैं आईआईटी में तो तुम्हें कूट कूट के तुम्हें 40 नंबर और दिलवाएंगे, समझे, आउटसाइड एनर्जी है, तुम्हें कूट कूट के मार मार के तुमको और ज्यादा ताकि तुम आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर सको। जल्दी बताओ, अरे रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो खुद की है ना, इतनी एनर्जी और चाहिए उस बैरियर को ओवरकम करने के लिए।
प्रोटॉन को इतनी एनर्जी चाहिए इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए, बोलो। एक्टिवेशन एनर्जी, कम से कम इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड ताकि वो रिएक्टेंट ओवरकम कर सके उस बैरियर को और किसमें कन्वर्ट हो सके प्रोडक्ट में, जल्दी बताओ। इज देयर एनी डाउट? इनको एनर्जी लेवल डायग्राम बोला जाता है बच्चों, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन। बताओ ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में है कि एक से ज्यादा स्टेप में? ये क्या है बच्चों बताओ? वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। डायग्राम बना दो बच्चों। चलो अब बताओ सारी कहानी दोबारा से सारी कहानी बताओ। चलो ये किसकी एनर्जी है बताओ? प्रोडक्ट की एनर्जी है। ये किसकी एनर्जी है? रिएक्टेंट की एनर्जी है। दोनों के बीच में जो गैप है वो है डेल्टा एच। इस बार ईपी बड़ा है ईआर से, तो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। डेल्टा एच बराबर होगा ईपी माइनस ईआर। इस बार प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। ये होगा बच्चों टोटल एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये कहलाएगी ट्रांजिशन स्टेट और ये कहलाएगी टोटल एनर्जी। क्या कहलाएगी? टोटल एनर्जी कहलाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। बताओ बच्चों जल्दी बताओ, इसको क्या बोलेंगे? ई ए फॉरवर्ड। इसको क्या बोलेंगे? ई ए बैकवर्ड। रिएक्शन कैसी है बच्चों? एंडोथर्मिक। डेल्टा एच का क्या फॉर्मूला होगा? एक और ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। फॉरवर्ड में से बैकवर्ड माइनस करोगे तो इतना बचेगा। जल्दी बताओ यस मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी। आया कुछ समझ में? आया यस बच्चों मेरे, कुछ समझ में आया? नहीं आया समझ में तो फिर समझाऊंगा। आप ऐसे भी कर बना सकते हो, समझ सकते हो। बताओ इसमें कितने प्रोडक्ट होंगे, कितने ट्रांजिशन स्टेट होंगी, कितने इंटरमीडिएट होंगे? कितने इंटरमीडिएट, कितने ट्रांजिशन स्टेट, कितने प्रोडक्ट? इंटरमीडिएट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और ये रिएक्शन कितने स्टेप में होगी ये भी बताओ। ट्रांजिशन स्टेट टू, इंटरमीडिएट वन, स्टेप टू। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ए ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट वन, ट्रांजिशन स्टेट टू, इंटरमीडिएट वन और प्रोडक्ट। दिस इज अ टू स्टेप रिएक्शन। बच्चों दिस इज अ टू स्टेप रिएक्शन। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर मैं बोर्ड के नंबर 33 से पासिंग मार्क्स को 40 कर देता हूं तो ज्यादा बच्चे पास होंगे कि कम बच्चे पास होंगे? अगर बच्चों में 33 से 40 कर देता हूं पासिंग मार्क्स तो ज्यादा बच्चे पास होंगे कि कम बच्चे पास होंगे? कम होंगे ना, इसका मतलब है तुमने जो एनर्जी बैरियर है उसे बढ़ा दिया। अगर एनर्जी बैरियर तुमने बढ़ा दिया तो आप ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी बैरियर को ओवरकम करने के लिए, तो कम बच्चे क्वालिफाई करेंगे, मतलब रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी रिएक्शन उतनी ज्यादा स्लो होगी। बोलो बच्चों, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उतनी रिएक्शन स्लो होगी, आगे बताऊंगा।
आपने 33 से 40 पर मार्क्स कर दिए, मान लो तुमने 20 पासिंग मार्क्स कर दिए, तो ज्यादा बच्चे पास होंगे कि कम बच्चे पास होंगे? ज्यादा होंगे ना, तो इसका मतलब तुमने एनर्जी बैरियर कम कर दिया। एनर्जी बैरियर अगर कम कर दोगे तो कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो ज्यादा बच्चे पास कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत करके ज्यादा बच्चे पास हो जाएंगे। तुमने एनर्जी बैरियर बढ़ा दिया तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है तो कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बैरियर को ओवरकम कर पाएंगे, कम बैरियर को ओवरकम कर पाएंगे तो रिएक्शन स्लो होगी। एनर्जी बैरियर कम कर दोगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बोलो बच्चों, टॉपिक समझ में आया नहीं आया, क्या क्या है जल्दी बता दो, क्या क्वेश्चन है फिर से? आया नहीं समझ में आया ग्राफ कर्व, नहीं समझ में आया एनर्जी लेवल डायग्राम? बताओ एनर्जी लेवल डायग्राम में दो फॉर्मूले पढ़ने थे, एक तो ये पढ़ना था डेल्टा एच इक्वल्स टू ईए फॉरवर्ड, ये भी पढ़ना था कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। अच्छा ये वाली रिएक्शन बताओ ये कितने स्टेप में होगी, ये वाली रिएक्शन बताओ ये कितने स्टेप में होगी मेरे बच्चों, ये वाली रिएक्शन बताओ ये कितने स्टेप में होगी, ये वाली रिएक्शन बताओ कितने स्टेप, एक स्टेप। आज के लिए ठीक है इतना टॉपिक, आज के लिए ठीक है इतना मेरे प्यारे बच्चों।